एवरीवन, दिस इज सलमान एंड यू आर वॉचिंग योर यूट्यूब क्रिकेट चैनल डेप्थ ऑफ क्रिकेट। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी बैटिंग स्टांस। स्टडी बैटिंग स्टांस चाहे एक नंबर का बैट्समैन हो, चाहे 11 नंबर का हो, चाहे मिडिल ऑर्डर हो, सबको बैटिंग करनी होती है, सबको एक स्टांस की ज़रूरत होती है। तो एक स्टांस, आइडियल स्टांस कैसा होना चाहिए और स्टडी बैटिंग, सबसे पहले बेनिफिट्स की बात कर लें कि एक स्टडी बैटिंग स्टांस का बेनिफिट क्या क्या होते हैं। तो बेनिफिट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे आप डक कर रहे हो बॉल को, लेफ्ट कर रहे हो, डिफेंस कर रहे हों, ड्राइव कर रहे हों या फिर हिट कर रहे हों, स्टडी बैटिंग स्टांस यानी स्टडी हेड की ज़रूरत सभी को होती है, चाहे वो एक नंबर बैट्समैन हो चाहे 11 नंबर बैट्समैन हो, सभी बैट्समैनों को इसकी ज़रूरत होती है। दुनिया में जितने भी बैट्समैन हैं आप उनका अगर बैटिंग स्टाइल देखेंगे वो एक दूसरे से बहुत ही मिलता जुलता नहीं है, ज़्यादातर नहीं मिलता जुलता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, चाहे वो एशिया में खेल रहे हो चाहे यूरोप में खेल रहे हो, सब तरह के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो उस जगह के हिसाब से वो अपना बैटिंग स्टांस क्रिएट करते हैं। सब किसी में क्राउचिंग में अलग होती है, किसी के बैट दोनों पैरों के गैप ज़्यादा होते हैं, किसी का कम होता है, किसी का ओपन स्टांस होता है, किसी के क्लोज स्टांस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सिमिलर नहीं है। तो ज़्यादातर बैट्समैन दुनिया में जितने भी बैट्समैन हैं उसमें ज़्यादातर जो है एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसा एक ग्राउंड है जहाँ पर वो सारे बैट्समैन जो है सिमिलर हों? जो जिस तरह एक सीसॉ की बात करें, सीसॉ में अगर एक तरफ वेट ज़्यादा रखें एक तरफ कम रखें, तो डेफिनेटली वेट जिस तरफ ज़्यादा होगा उस तरफ मूवमेंट डाउनवर्ड ग्राउंड की तरफ ज़्यादा होगा। तो इसी तरह हमारी बॉडी भी है, अगर सर जिस तरफ हमारा गिरेगा, बॉडी से दूर हमारा सर अगर गिरेगा तो क्या होगा? उस कंडीशन में बॉडी एक सेंटर पोजीशन जो वर्टिकल एक्सिस है उससे अवे जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी भी उसको फॉलो करेगी, बॉल से दूर हो जाएगी। अब क्रिकेट में हम बॉल जो है सामने से फेस करते हैं, हमारे शोल्डर की लाइन में फेस करते हैं, अगर ये बॉडी हमारी बाहर की तरफ गिर रही है तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट एंगल क्रिएट होगा। जब ये एंगल डिफरेंट क्रिएट होगा यानी हमारा जो बैट होगा बाहर से आएगा, बॉडी बाहर चली जाएगी, बॉल सामने से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्रॉस ऑफ द बॉल जो है एक एंगल क्रिएट होगा। जो से फॉर एग्जांपल अगर बॉल सामने का है, मिडल ऑफ द स्टंप पर पिच कर रहा है या ऑफ स्टंप पे, और हमारी बॉडी ऑफ स्टंप के बाहर चली गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम मजबूर हो जाएंगे सामने की बॉल को स्ट्रेट ड्राइव ना करने की वजह हम फ्लिक मारने चले जाएंगे या ऑन साइड पे खेलने चले जाएंगे। अब इससे क्या होगा, जब भी आप बॉल को अगेंस्ट द लाइन खेलते हैं, अगेंस्ट द लाइन खेलते हैं, अक्रॉस द लाइन खेलते हैं, तो उससे होता क्या है, कहीं ना कहीं आप पैड पर लग जाती है बॉल, LBW हो जाते हैं या कॉट बिहाइंड हो जाते हैं या बोल्ड हो जाते हैं या मिस टाइम हो जाते हैं। तो बॉल को खेलने का सही तरीका क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है एक वर्टिकल एक्सिस पे रहे, स्ट्रेट रहे, बॉल को जिधर से बॉल आ रहा है उस डायरेक्शन में उसको वापस भेजने की कोशिश करें। ये एक आइडियल क्रिकेट खेलने का तरीका होता है। वीरेंद्र सहवाग सर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, हालांकि उनको बहुत लोग कहते हैं कि उनका पैर नहीं चलता है, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हेड के मामले में उनको आप देखें तो बहुत ही स्टिल रहता है, बॉडी के एकदम अलाइनमेंट में रहता है, ना ऑन साइड की तरफ जाता है हेड ना ऑफ साइड की तरफ जाता है, जिससे वो ईजिली बॉल को, हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बात करें तो उनका नाम सबसे ऊपर आता है। और इसी यही वजह है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से होता है, आपके स्टैटिक यानी स्टडी हेड की वजह से होता है। वो स्टडी हेड आई को भी इंक्लूड करता है, जब आई आपके स्टेबलाइज रहेगा, हेड स्टेबलाइज रहेगा, तो डेफिनेटली आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो वीरेंद्र सहवाग सर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उनको देखिए उनका इक्विलिब्रियम कितना अच्छा मेंटेन रहता है, शॉट खेलते वक्त हेड स्टिल रहता है बट बॉडी मूव कर रही होती है। तो ये कॉमन चीज़ है, ये सब बैट्समैन की कॉमन होती है, सब इसी को फॉलो करते हैं जो अच्छे बैट्समैन होते हैं, कि वो हेड को हमेशा स्टडी रखते हैं, स्टांस अपना स्टडी रखते हैं बॉल को अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करने के लिए।